ओके रेडी. ये फिल्म चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अलावा ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी है, बट मेन हमारा फोकस उस बच्चे पे है. बिकॉज ऐसे आपने आई गेस लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी कि छोटी बच्ची के साथ कोई 60 साल का 70 साल का इंसान शादी कर रहा है, तो वो एक वो चीज़ तो हमने कवर की है. इसके अलावा हमने बहुत सारे ट्रू फैक्ट्स देखे, बहुत सारी रिसर्च की कि क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में. तो हमने इस फिल्म को कमर्शियल मूड में बनाया ज़रूर है, बट जो हमने चीज़ें कवर की हैं दे आर एक्चुअल फैक्ट्स. तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बिजनेस, बूमिंग बिजनेस इन दिस इन दिस वर्ल्ड. तो इसमें हमने सारा शूट इंडिया में ही किया है. पहला डिफरेंस ये कि हमने सिर्फ इंडिया को ही अभी दिखाया है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है. हम बॉम्बे गए, बॉम्बे के कमाठीपुरा में, देन दिल्ली में रेड लाइट एरिया में सर की टीम गई, सारी रिसर्च की. मैंने खुद ने ऑनलाइन बैठ के बहुत सारी रिसर्च की, NGOs के देखे. तो डिफरेंस सब जगह सिचुएशन सेम है. और हमने जो दिखाया, हमने देसी स्टाइल में थोड़ा दिखाया है, वहाँ पे थोड़ी फॉरेन लोकेशन में वो लोग चले गए, बस इतना ही डिफरेंस है. मैं इसमें पाखी का रोल कर रही हूँ, मेन किरदार है मेरा. मैं भी एक इसमें वन ऑफ द विक्टिम हूँ जो लाई जाती हूँ बाली के यहाँ पर. फिर वहीं पर ये बच्चे भी आते हैं जहाँ पर मैं उनसे मिलती हूँ और फिर हमारी कहानी बनती है जो कि आप फिल्म में देखोगे. सचिन सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वो थिएटर से हैं, तो मैं उनके पास में एक्चुअली थिएटर के लिए ही गई थी. मैंने उनके साथ में एक प्ले भी किया अमृता प्रीतम जी के ऊपर में. फिर उसके बाद हमने पाखी पे काम शुरू किया. एंड सर का प्री प्रोडक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. वो कोई भी फिल्म अगर वो कमर्शियल भी बना रहे हैं विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट, वो इतनी रिसर्च, इतनी वर्कशॉप्स करते हैं. प्री प्रोडक्शन हमारा इतना हो जाता है कि शूट पर जब हम जाते हैं ऑन शूट फील ही नहीं होता है कि कोई मुश्किल है. वी आर ऑलरेडी इन दैट मूड, बहुत फ्लो में शूट हो जाता है. तो सॉन्ग की कितने गाने हैं? इसमें 3 गाने हैं, जो 2 आपने सुने ही हैं और 1 आइटम सॉन्ग. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लव द ट्रेलर, बट आल्सो रिमाइंड अस ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इन है एंड शिवाय है एंड शिवाय. व्हाट द डिफरेंस इज, क्या अलग है? नहीं, आई थिंक शिवाय तो मैंने देखी नहीं है. मर्दानी का मुझे थोड़ा जहाँ तक स्टोरी पता है, ये कहानी सिर्फ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर ही नहीं है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल जर्नी है ब्रदर सिस्टर की जो इस कहानी के थ्रू हम दिखा रहे हैं. और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद बाहर अभी तक आए नहीं हैं, तो कोशिश है कि उन चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकें. और सिर्फ ये एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग को ही हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, हम एक कहानी दिखा रहे हैं जिसमें कैसे कोई एक उस पेन को दिखा रहे हैं जो वो लोग महसूस करते हैं जो फंस जाते हैं. ये कहना बहुत आसान है कि हाँ ऐसा हो गया, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में ये हो गया, उस कंट्री में ऐसा हो गया, उस स्टेट में ऐसा हो गया, लेकिन लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वो क्या पेन है, उस पेन को कहीं ना कहीं हम हाईलाइट कर रहे हैं. ना तो हमने जब प्लान किया तो सबसे पहला जो मेरी ज़रूरत थी वो थी एक ऑथेंटिक हम सिटी मेंटेन करके कुछ एक प्रॉपर तरह से दिखा सके. उस टाइम में ना तो मेरे माइंड में था कि हमें उसके बारे में सोचना है या सेंसर के बारे में सोचना है. कोशिश है कि जितना हम रियल हो सकते हैं हो. हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि फैमिली साथ में बैठ के देख रही हैं या टीवी पर ये फिल्म चल रही है या थिएटर्स में मूवी चल रही है, तो सब साथ में बैठ के देख सकें और मैक्सिमम लोगों तक हमारी मूवी पहुँच सके. तो एक जैसे आपने अगर ट्रेलर में देखा होगा तो हमने बहुत ही एक लाइक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी हमारी टीम को, चाहे हमारे वो DOP हो चाहे कोई भी हो. तो हमने उसी तरह से इसको शूट किया है कि आप कंफर्टेबली अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें मूवी को. ओके,
आपका यू नो राइट क्योंकि कहीं ना कहीं जो डार्क एलिमेंट्स हैं अगर आप पाखी देखिए पाखी हम दिखा रहे हैं एक कहानी दिखा रहे हैं एक इंसान की जो लोगों की जो फंस चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो डार्क एलिमेंट्स हैं जो हो रहा है जो भी आप देख रहे हैं जो भी हो रहा है चाहे वो हमारी कंट्री में हो रहा है चाहे कहीं बाहर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सबसे बड़ी जड़ है इस पूरे ट्रैफिकिंग की इस पूरे जो सिस्टम जो प्रोसेस है तो वो बहुत ज़रूरी है वो दिखाना उस डार्क एलिमेंट को उन एलिमेंट्स को जो जिनकी वजह से ये सब हो रहा है जो जड़ है जो इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ है उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है। हाँ अभी मैंने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब न्यूज़पेपर में एक मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी आई थिंक एज एन इंडिविजुअल आई कैन द वे आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इज मे बी लाइक एज अ फिल्म मेकर आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट दिस थ्रू दिस फिल्म मतलब एक फिल्म के थ्रू हम एक मैसेज भी नहीं बोलूँगा कुछ इश्यूज़ हैं हाईलाइट करना चाह रहे हैं मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी जनता के अंदर उतना ज़्यादा हम शायद इसका कुछ सोल्यूशन निकाल पाएँ बाकी तो हम प्रे कर सकते हैं कि फिल्म को सही टैक्स फ्री होना चाहिए आई होप वो इस फिल्म को देखें और टैक्स फ्री करें दिल्ली में ही क्यों पूरे इंडिया में इसको टैक्स फ्री होना चाहिए बहुत ही शिद्दत से बहुत मेहनत से इस मूवी को बनाया गया है मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग देखें और हमारी फिल्म को टैक्स फ्री भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें थैंक यू जी मेरा नाम शिवांग माथुर है एंड मैं एक साल पहले मुंबई आया था सिंगर बनने देन सडनली सचिन गुप्ता सर से मुलाकात हो गई देन अभी मैं बहुत कंपोज कर रहा हूँ उनके फिल्म्स के लिए एंड और भी बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं फ्यूचर में जो आप सबके बीच में बहुत जल्द आएंगी जी इससे पहले मैं बहुत सारे YouTube सिंगल्स एल्बम इंडिपेंडेंट एल्बम्स बहुत सारे करता था एंड मैं कुछ कंपोजर्स को असिस्ट भी किया है यहाँ पे जो इंडस्ट्री के कंपोजर्स हैं एंड मेनली मैं बहुत सारे लाइंस एंड सिंगल्स एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही किया है YouTube पे मैंने जी सब हर किसी को एक मतलब राइट मैंने मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब बहुत राइट टाइम पे राइट इंसान से मिलना सबके लिए बहुत लकी होता है तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मतलब मैं सचिन सर से मिला देन ये मेरे एक अच्छा पुश है करियर के कि आप मतलब एक यंग एज में एक फुल फीचर फिल्म करो जिसका पूरा फिल्म का म्यूजिक ही मैंने पूरा किया हो तो मैं बहुत लकी मानता हूँ एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड विद मी जी सबसे पहले सचिन सर ने मेरे को यही बताया था कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर एक फिल्म वो कर रहे हैं एंड तो जैसा उन्होंने मेरे को बताया मैंने लिटरली मैं उन कैरेक्टर्स को जिया हूँ मैं उन्होंने बताया कि एक छोटी सी बच्ची है उसको ज़बरदस्ती 10 साल की बच्ची का एक 60 साल के इंसान से शादी हो रही है तो मैंने लिटरली वो कैरेक्टर जिया है एंड इनमें इस फिल्म में एक गाना है अंधेरे जो प्रतीक्षा की वॉइस में था मैंने वो गाना रात को 3:30 बजे करीब कंपोज किया था मैं उस टाइम नींद में था तो पूरा गाना नींद में करा अगले दिन उठ के उसको पूरा एग्जीक्यूट किया सुबह तो इसी तरीके से पूरा चला थैंक यू मैंने इस फिल्म में 3 गाने गाए हैं हाँ गुम है कहाँ जो पाखी का जो थीम है वो गाया है मैंने गुम है कहाँ का एक डुएट वर्जन है जिसमें मेरे साथ एक छोटी 12 साल की बच्ची ने भी गाया अदिति ने एंड अंधेरे वो भी मैंने गाया हाँ जी एक्चुअली मेरी जो फैमिली है पूरा म्यूजिकल बैकग्राउंड है मेरे पापा का स्कूल है म्यूजिक स्कूल पापा मम्मी एवरीवन इज़ इनटू म्यूजिक तो इनहेरिटेंस कह सकते हैं आप इसको बहुत लेट जाके रियलाइज़ किया एकेडमिक्स में भी बहुत सीरियसली मैंने पढ़ाई की है बट बहुत बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक में ही करियर बनाना है तो मैं बस कुछ महीने पहले मुंबई शिफ्ट हुई मैं लिटिल चैम्प्स में भी आई वॉज अ कंटेस्टेंट आई वॉज टॉप 5 कंटेस्टेंट उसके बाद ही रियलाइज़ हुआ तो तब से अभी फिर सचिन सर से मिले तो ही लाइक माई वॉइस तो ही गेव मी 3 सॉन्ग्स इन द मूवी आउट ऑफ 4 सॉन्ग्स हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कांच की एक वो कली
मुझे ढूंढे मेरी गली सुना पड़ा क्यों अंगना जाने हम गुम है कहाँ गुम है कहाँ।